नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित, आप सबका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं Redmi Note 4 की इंडियन यूनिट की अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ये MI की ओर से हमने इसे बुक किया था, तो हमें कुछ इस तरह से उसका पैकिंग मिलता है। तो चलिए हम इसे अभी अनबॉक्स कर देते हैं इसको सील को। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे फ्रंट साइड पे Redmi Note 4 का 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। और साइड पे आपको Redmi Note 4, यहाँ पे भी आपको Redmi Note 4, और यहाँ पे MI का लोगो है जो कि रेड कलर में है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने बैक साइड पे उसके कुछ, तो जैसा कि आप यहाँ पे उसके स्पेसिफिकेशन देख रहे हो, यहाँ पे आपको Redmi Note 4 ड्यूल सिम ड्यूल स्टैंड बाई और ये आपको FDD LTE सपोर्ट, ये जो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। और आप यहाँ पे कुछ Qualcomm Snapdragon 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 13.5 इंच की फुल HD FHD डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ उन्होंने स्टिकर लगा हुआ है। तो चलिए अब हम इसे अनबॉक्स कर देते हैं। तो जैसा कि आपको ये फ्रंट साइड पे सबसे पहले Redmi Note 4 जो गोल्ड कलर वेरिएंट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और उसके बाद आप जैसा कि फोन देख सकते हो आपको कुछ इस तरह से उसका डिजाइन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे नीचे MI का लोगो है, बैक साइड पे कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, और नीचे की ओर पे ये कुछ मतलब मेक इन इंडिया का आपको यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो मेक इन इंडिया का ये प्रोडक्ट है। तो आपको ये फ़ोन को थोड़ा सा में रखते थे, आपको उसके साथ और भी मिलेगा। ये कुछ क्विक स्टार्ट गाइड है जो कि चाइनीज़ में है और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में है, हम उसे साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है, ड्यूल सिम हाइब्रिड किस तरह से आपको उसे स्टार्टअप करना है, बूटअप, वो सारी आपको डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे आपको 5 वॉट 2 एम्पीयर का एक DC चार्जर मिल जाता है जो कि क्विक चार्ज को सपोर्ट नहीं करता। और हालांकि ये फ़ोन जो है Redmi Note 4 वो भी क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं करता है Snapdragon 625 वाले वर्जन में। और यहाँ पे आपको उसका USB एक केबल देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो केबल है ये माइक्रो USB पोर्ट है, तो ये है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक सिम इंजेक्शन टूल मिल जाएगा जो कि हम अभी इसे साइड पर रख देते हैं सब चीज़। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कुछ उसका डिज़ाइन की हम बात करें तो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, जो कि हमारे पास Redmi Note 3 है उसके कंपेयर में भी ये यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो हमारे पास Redmi Note 3 ग्रे कलर वर्जन है, उसके कंपेयर में ये लुक में आपको थोड़ा सा ऊपर प्लास्टिक का ही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो क्रोम फिनिश में कुछ आपको ये बेजल दिया गया है नेटवर्क का। और ये चलिए हम इसे इसमें आपको 5.5 इंच की फुल HD 2.5D कर्व वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट ऊपर की तरफ हम बात करें तो आपको 3.5 mm का जैक और IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक मिल जाएगा। लोअर की बात करें तो आपको यहाँ पे उसको मिलता है आपको एक माइक्रो USB पोर्ट, और लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर और राइट साइड पे आपको जो है वो माइक है दूसरा। और यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है जो कि एक आपको सिम ट्रे मिल जाती है जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। यहाँ पे एक आपको एक माइक्रो सिम और एक यहाँ पे नैनो सिम, या तो फिर आपको यहाँ पे आप एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाओगे 128 GB तक आपकी मेमोरी भी एक्सटेंड कर पाओगे। तो चलिए हम अभी फ़ोन को बूटअप कर देते हैं। फ़ोन बूटअप होने तक आपको हम इसके स्पेसिफिकेशन बता देते हैं। इसमें आपको अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 ऑक्टा कोर CPU जो कि 2 GHz पे क्लॉक किया हुआ रहेगा,
और इसमें आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी आपको। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और वो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस कैमरा मिलेगा। और फ्रंट कैमरा जो कि आएगा वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। इसमें आपको 4100 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट नहीं करेगी। इसमें आप फास्ट चार्जिंग नहीं कर पाओगे। और इसमें आपको 2.5D की स्क्रीन मिलेगी जो जिसमें कि आपको Xiaomi ने कोई भी यहाँ पे बताया नहीं है कि यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है या नहीं है। हमारे पास जो वर्जन है ये आपको 32 GB एंड 3 GB रैम वाला रहेगा और इसका आपको जो प्राइस है वो आपको 11,000 रुपये के आसपास मिलेगा। ये गोल्ड कलर में आपको है अवेलेबल, हमारे पास अभी गोल्ड कलर में अवेलेबल है। या इसका एक दूसरा वर्जन भी आता है जो कि 4GB 64GB के वर्जन में आएगा जो कि 13,000 रुपये के प्राइस में आता है आपको। तो अभी यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट को ऐड करने के लिए बोल रहा है तो चलिए हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट को ऐड कर देते हैं। अभी ये फ़ोन पूरी तरह से बूट अप हो चुका है तो हम यहाँ पे उसके ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं मैनुअल से, ऑटो से मैनुअल कर देते हैं। और यहाँ पे एक हमें एक अपडेट भी मिल चुका है जो कि कुछ 1.4 GB का है, वो हम उसे बाद में अपडेट करेंगे। हम आपको यहाँ पे फर्स्ट बूट पे आपको कितनी रैम मिलती है 1.7, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको फर्स्ट बूट पे आपको यहाँ पे 1.7 तकरीबन 1.7 आपको रैम फ्री अवेलेबल मिलती है। तो रैम के बात मामले में भी ये काफ़ी अच्छा फ़ोन दिखला रहा है और उसके लुक और काफ़ी प्रीमियम हमें तो लग रहा है उसका। हम यहाँ पे चेक कर लेते तो ये आपको ये मिलता है रेडमी नोट 4, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेडमी नोट 4 6.0.1 मार्शमेलो पे है ये, और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 8.1.8 है। और जो कि आप यहाँ पे CPU देख रहे हो तो ऑक्टा कोर का मैक्स 2 GB तक इसे क्लॉक के बाद रैम आपको 3 GB यहाँ पे शो कर रही है। और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज और बाकी सारे स्टोरेज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम उसको यहाँ पे अभी उसके इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको कुछ 32 GB में से आपको यहाँ पे फर्स्ट बूट पे आपको 22.46 GB अवेलेबल स्पेस मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है वैसे तो। और अगर हम यहाँ पे उसके कैमरे की थोड़ी बहुत बात कर ले तो हम यहाँ पे उसका थोड़ा कैमरा का जो हमने ये थोड़े बहुत सैंपल लिए है वो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। इस फ़ोन के अगर हम लुक की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्रंट में आपको 5.5 इंच की फुल HD 2.5D कर्व के साथ एक डिस्प्ले मिल जाएगी। और यहाँ पे आप साइड में देखोगे तो पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर मिल जाएंगे। फ्रंट ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक 3.5 mm का जैक, IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक मिल जाएगा। बैक साइड पे आप देखोगे तो मेटल जूनी बॉडी के साथ आपको मिलेगा। और ऊपर और फ्रंट उसका और टॉप और बॉटम यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक में आपको दिखेगा। और नीचे यहाँ पे आपको MI की ब्रांडिंग लिखी हुई मिलेगी। उसके बाद आप नीचे की ओर देखोगे तो आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा। और आपको राइट साइड पे आपको यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाएगा। और यहाँ पे उसकी राइट साइड पे आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको एक माइक मिल जाएगा। जो हम यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो काफ़ी फास्ट दिख रहा है हमें, जैसा कि हम यहाँ पे नॉर्मली टच कर देते हैं तो अभी ये लॉक अनलॉक हो जाता है तुरंत ही, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी फास्ट है। अगर ये ऑन स्क्रीन में हम उसे लॉक अनलॉक करते रहे तो भी एकदम फास्ट क्विकली ओपन हो जा रहा है। तो इसका फिंगरप्रिंट को भी काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव किया है सेंसर को। और कैमरा भी हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेडमी नोट 3 के इसके कंपेयर से काफ़ी अच्छा दिख रहा है।
दोस्तों अगर आप Redmi Note 4 का ये 3GB 32GB वेरिएंट वाला गोल्ड कलर का अगर गिव अवे चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो पे हमारे वीडियो पे 9999 यानी कि 9999 लाइक आ जाएगी और आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बोलिए कि आपको गिव अवे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो पे 9999 लाइक आ जाएगी तो हम आपको इसका एक गिव अवे कर देंगे और आपको जो भी कोई लकी विनर होगा हम उसको ये फ़ोन उसके एड्रेस पे प्लेस कर देंगे। तो अगर आपको अगर गिव अवे चाहिए तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करके नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये तो था दोस्तों एक क्विक रिव्यू और अनबॉक्सिंग। अगर आपको Redmi Note 4 से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं जैसे कि इसका आपको कैमरा कंपैरिजन, बैटरी कंपैरिजन और कैमरा रिव्यू, बैटरी रिव्यू और इसका कंपैरिजन किसी और फ़ोन के साथ और भी आपको इसका रूटिंग प्रोसेस या फिर बूट लोडर अनलॉक करने का सारे प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हो तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाले समय में हमारे इस चैनल पे आपको ये सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले और भी एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।